जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस के साथ की गई सरकार की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। खबरों की माने तो मानसून सत्र के पहले हफ्ते में सरकार जीएसटी बिल पेश नहीं कर पाएगी। आज सरकार और कांग्रेस नेताओं के बीच जीएसटी को लेकर अहम बैठक हुई। हालांकि कांग्रेस का सरकार को समर्थन देने पर गोलमोल रुख ही सामने आया। कांग्रेस अभी भी जीएसटी रेट की अधिकतम सीमा 18% करने पर अड़ी है, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अभी भी सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेगी। नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई हैव कॉल्ड इवन सोनिया जी एंड मनमोहन सिंह जी फॉर डिस्कशन ऑन जीएसटी। दे रेज्ड सम 3 इश्यूज एंड दोज इश्यूज आर मोस्टली एड्रेस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो हैड नंबर ऑफ rounds of discussion with the chief minister of states, with the finance minister of states. Most of the states are on board. जानवरों की तरफ से फेंके गए प्लास्टिक को भोजन बनाने और उसकी वजह से बीमार होने की खबरों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो सरकार की तरफ से बनाई जाने वाली समिति को अपने सुझाव दे ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस तरह के मामलों में राज्य सरकारों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और जनहित याचिका दाखिल करने वालों की बातों का भी ध्यान रखा जाए। अब बात करेंगे सियासी खबर की। यूपी में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को कमान थमा दी है और अब यूपी में जीत फतह करने के लिए हाईकमान समीकरण तैयार कर रहा है। दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक में फैसला किया गया कि 17 जुलाई को यूपी कांग्रेस के सभी नव नियुक्त पदाधिकारी एक साथ लखनऊ जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में सभी इकट्ठा होंगे और 17 जुलाई को ही राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज लेंगे। आरपीएन सिंह ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। आज हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वहीं कांग्रेस के युवा नेता जतिन प्रसाद ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश का विकास का मॉड्यूल झूठा है। जो ब्लूप्रिंट हमारा है उसके दिन धीरे धीरे हम उस ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू करेंगे। ये लड़ाई राजनीतिक दलों की नहीं है, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में है। इतने सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। जात और धर्म को लेकर विकास की बात सब करते हैं, किसानों का क्या हाल है, बेरोजगारों का क्या हाल है और उत्तर प्रदेश किस तरह बेहाल है, जहाँ वो माफिया हो, गुंडागर्दी हो, इन सब मुद्दे पर हम उत्तर प्रदेश को विकसित करने का एक ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश में। क्योंकि चाहे वो भाजपा सरकार हो और ये जो क्षेत्रीय दलों की सरकार रही है, इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में युवाओं के लिए खास वो लेके आएगी संदेश, जिससे उनको जो गड्ढे में अपने आप को युवा उत्तर प्रदेश का महसूस कर रहा है, नौकरियां नहीं है, वो एक बेहतर भविष्य नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो सब पे कांग्रेस फोकस करेगी। मेरे एक बयान को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई बयान मेरा आप नहीं बता सकते जो विवादित है, और वो विवादित भी वो शब्द मेरे गलत हैं, मेरी भावनाएं कभी गलत नहीं हैं। मेरे शब्द ज़रूर गलत थे और उसके लिए मैं बार बार कह चुका हूँ। चूँकि भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा ने नफरत के ऊपर सियासत की है, नफरत की बात करना चाहते हैं, भाईचारे की बात वो जानते नहीं करना। यूपी के सियासी रण में दावों सियासी समीकरणों के बीच सभी दलों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। सियासी बिसात में ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। सोच समझकर उन चेहरों को आगे किया जा रहा है जिनका ताल्लुक पिछड़ा वर्ग से है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सियासतदान चुनावी समीकरणों को बिठाने में जुट गए हैं। जातीय समीकरणों और आबादी के आधार पर चेहरे को आगे किया जा रहा है। यूपी में सबसे बड़ा दांव पिछड़ा वर्ग पर लगाया जा रहा है, ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। गौर कीजिए, समाजवादी पार्टी का चेहरा यूपी के सीएम अखिलेश यादव हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हैं। तकरीबन 3 दशक से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस ने राज बब्बर को प्रदेश की कमान सौंपी है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश, राज बब्बर और केशव प्रसाद तीनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा है, जिसके तहत तीनों पर उनकी पार्टियों ने यूपी की चुनावी बिसात में दांव लगाया है। कुछ समय पहले तक मायावती के पास भी स्वामी प्रसाद मौर्य के तौर पर एक मजबूत ओबीसी चेहरा था। हालांकि स्वामी प्रसाद मायावती का साथ छोड़ चुके हैं, अगला ठिकाना तलाशने में जुटे हैं। बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ओबीसी वोट बैंक पर सभी की नजर है।
इसको समझने के लिए आपको यूपी की आबादी का हिसाब किताब समझना होगा। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में ओबीसी आबादी करीब 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सैथवार 8%, मल्लाह 4%, विश्वकर्मा 2% और बाकी अन्य पिछड़ी जातियां शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 18% सवर्ण जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण करीब 10% हैं। इसके अलावा एससी 25% और सूबे में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ यूपी में सत्ता का सफर तय करने के लिए सभी दल ओबीसी वोट बैंक में से बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने की जुगत में लगे हैं। आपको याद होगा किस तरह लोहिया की पाठशाला से निकले मुलायम ने मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा और अपनी साइकिल से सत्ता का सफर तय किया था। यादवों के बाद यूपी में पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी कुर्मी वोटर्स की है। मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे और यूपी में बीजेपी का कमल खिलाने वाले कल्याण सिंह भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। मिशन मंदिर और जातीय समीकरणों के सहारे ही कल्याण सिंह 1991 में यूपी के सीएम बने थे। मायावती अपने दलित वोट बैंक को अपनी पूंजी की तरह संभाल कर रखने में बड़ी हद तक कामयाब रही हैं, लेकिन बीएसपी में कई ओबीसी चेहरों को मायावती ने आगे बढ़ाया। मिशन 2017 में जुटी सभी पार्टियां एक बार फिर ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी में जुटी हैं। कांग्रेस को शीला दीक्षित और राज बब्बर की जोड़ी से बहुत आस है। हालांकि पार्टी के नेता जातीय समीकरणों की जगह सबको साथ लेकर चलने को बता रहे हैं। सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, आप हमारी पूरी लिस्ट देख लीजिए। कोई अगर हम सबकी बात करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर वो जातियाँ आएंगी। हम जानबूझ करके किसी जात विशेष के लिए कोई प्लान नहीं करते हैं। ये अलग बात है जब हमारी कोई प्लानिंग होती है, अच्छी प्लानिंग होती है, जैसा कि आपने राज बब्बर जी के लिए कहा, शीला जी के लिए कहा। दोनों इसलिए नहीं पहचाने जाते हैं कि ओबीसी और ब्राह्मण हैं, दोनों संघर्ष के लिए पहचाने जाते हैं, अनुभव के लिए पहचाने जाते हैं। तो समाज में रहने वाले, जिनके देश में जिनकी एक बड़ी भागीदारी है, जिनको एक सम्मान मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, अगर हम उनको सम्मान वो दे रहे हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगता है कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। बीजेपी भी केशव प्रसाद मौर्य के सहारे सूबे में कमल खिलाने की उम्मीद लगा रही है। हाल ही में बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वो भी पिछड़ा वर्ग से आती है। साफ छवि के संतोष गंगवार भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को एसपी की बी टीम बता रहे हैं। जनता किसी नेता पर तब भरोसा करेगी नहीं, पार्टी की नीतियों में स्पष्टता होगी। नीतियां स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही हैं, तो जनता को अगर तय करना है तो वो उससे बढ़िया समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद करेगी, फिर कांग्रेस को बी टीम को क्यों पसंद करेगी। नहीं, जब हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और जब हम सबकी बात करते हैं तो सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने के तहत ही मुलायम के पुराने साथी बेनी प्रसाद वर्मा की हाल में एसपी में वापसी हुई थी। बेनी बाबू को मुलायम ने राज्यसभा भी इसी कवायद के तहत भेजा है। बहरहाल सियासी बिसात में जातीय समीकरणों को बिठाने में जुटी सभी पार्टियां बात तो विकास की कर रही हैं, सूबे को तरक्की की राह पर आगे ले जाने का दम भर रही हैं, लेकिन सियासी खेल में दूसरे से आगे निकलने के लिए सभी पिछड़ों को अपने साथ पकड़कर रखना चाहती हैं। लखनऊ से अमिता पारोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।